हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे और आपका भाई भी एकदम ठीक है। सॉरी गाइस, आज मैं घर से व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया क्योंकि लेट हो गया था बहुत ज़्यादा। तो अभी हम जा रहे हैं एक प्यारी सी लोकेशन पे और मेरे साथ है मेरे फ्रेंड। हेलो। तो गाइस, हम जिस लोकेशन पे जा रहे हैं वो पड़ता है टंगमर्ग वाले एरिया में। तो वहाँ पे एक वाटरफॉल है, तो काफ़ी फेमस प्लेस है वो। तो हम पहले वो एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी एक्सप्लोर करवाएंगे। क्या बोला तूने? और गाइस, ये बहुत ही ज्यादा रैश चल रहा है ना, तो जिसकी वजह से दब दब हो रहा है। दब दब मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा। देखिए यार, एक तो सिंगल रोड है, ऊपर से इनकी ड्राइविंग लाइसेंस भी है आपके पास के नहीं? बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। मेरी जान, स्पीड ब्रेक है आराम से। भाई आज इसने जान लेनी है, वो मैंने कह दिया ना, जैसे ड्राइव कर रहे हैं। बहुत कम है तो हमें वहाँ पे पहुँचना है। तो जान से बढ़कर है, टाइम कम है तो क्या हुआ, जान थोड़ी देनी है। गाइस, हम इस टाइम नॉर्थ साइड से चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बारामूला के एक साइड से, जिसका नाम है गुगलडारा एरिया। हम वहीं से जा रहे हैं, हम पहुँचेंगे। ये एक शॉर्टकट रास्ता है जहाँ से हम जा रहे हैं बड़गाम टू टंगमर्ग। देखो गाइस, देसी फवारा। गाड़ी के टायर जमीन पे लगने नहीं दे रहा है, बहुत ही रैश चल रहा है। आई विश कि इसको फाइन हो जाए बहुत जल्दी, ताकि यार नेक्स्ट टाइम संभल कर चले। A few minutes later. तो गाइस, अभी हमारी हो रही है ऑफ रोडिंग। हमें क्योंकि रास्ते का पता नहीं था, हम बीच में शॉर्टकट आ गए, बट ये शॉर्टकट ना हमें बहुत महंगा पड़ गया, क्योंकि ये रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके ऊपर मैकडम नहीं पड़ा हुआ है, सिर्फ ये क्या कहते हैं इसको, स्टोन्स पड़े हुए हैं नोकीले वाले। और अगर ये कोई टायर को लग गया तो पता ही है फिर क्या होने वाला है। अगर रास्ता आगे से ब्लॉक हो गया तो देखा जाएगा क्या होगा, देखते हैं। तो फाइनली गाइस, हम अभी जा रहे थे अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, बट हमें रास्ते में एक प्यारी सी जगह मिल गई है और वहाँ का व्यू देखो पहले आप। पानी पड़ रहा है ऊपर यार, इसका पैसे क्या होगा? ओहो, क्या मस्त भी है भाई। ओ भाई, अगर मैं इस पानी के साथ हाथ लगाऊं ना, मेरा हाथ कट जाएगा। तो गाइस, अब आपको पूरा रेनबो दिख रहा होगा और इस पानी का फ्लो इतना है कि अगर मैं इसके ऊपर हाथ रखूं तो हाथ कट जाएगा, इसलिए पानी के साथ हम नहीं छेड़ सकते, सॉरी। तो छेड़ो, खतरों के खिलाड़ी बनने का शौक है तो छेड़ो भाई, लग कट जाएगा, लगाना पूरा हाथ। तो फाइनली गाइस, हम इस लोकेशन को कर रहे हैं बाय, क्योंकि ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। तो जल्दी जाते हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सनसेट हो गया तो उसके बाद देखने का मज़ा नहीं आएगा उस लोकेशन पे। तो आपको भी तो दिखाना है, इसलिए हम कोशिश करेंगे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचने की जल्द से जल्द।
ऐसे लग रहा है जैसे मैं सच में किसी फॉरेन कंट्री में आ गया हूँ। ये लोकेशन मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी है, इस जगह से मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। बाकी क्या ही मैं बताऊँ, पता है मेरा मन कर रहा है कि यहाँ पे मैं अपना हट बनाऊँ और यहीं पे सेटल्ड हो जाऊँ। यार ये लोकेशन देख के ना कहीं जाने को मन ही नहीं कर रहा है यार, कसम से। यहाँ पे वो कोई कुकिंग भी कर रहा है, पीछे आग जलाई है जंगल में। जो यहाँ पे बकरवाल आते हैं ना जानवरों को लेके, वो अपनी लाइफ ना मज़े की स्पेंड करते हैं, क्योंकि वो जानवरों को लेकर ऐसी ही लोकेशन पे आते हैं जहाँ ज़्यादा ग्रीनरी हो, और उसके बाद खुद भी इंजॉय करते हैं, मज़े की लाइफ स्पेंड करते हैं। यार आराम से चलना, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, रैश मत ना चल, डर लग रहा है। देख 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 गाड़ी आ गई, देख 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 तेरा दिमाग है। A few minutes later. मैं हट जाओ हट जाओ। हनी हनी और आयत भी चल रही हैं, ये देखो फ्रंट में सबसे आगे। तो गाइस हम पहुंचे हैं इस टाइम कुछ ऐसी लोकेशन पे, यहाँ से शायद हमारी फाइनल डेस्टिनेशन में भी अभी आधा घंटा लग जाए वहाँ तक पहुँचने में। देखो गाइस शॉर्टकट मारने का नतीजा क्या हुआ। फाइनली हम तो सोच रहे थे शॉर्टकट मार के हम जल्दी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, मगर अब ट्रैफिक जाम लग गया, क्योंकि ये रास्ता सिंगल है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल गाड़ी चल सकती है। अब आगे से दूसरी गाड़ी है, ये पास नहीं हो पा रहे, तो ट्रैफिक जाम में हम फंस चुके हैं। अब क्या कर सकते हैं, जब तक पास नहीं मिलेगा एक साइड वाले को तो जाना पड़ेगा बैक। अब वो वाले सारे बैक जा रहे हैं और हम इनके पीछे पीछे, जब तक पास ना मिले। गलती की हमने स्टोर से आए यार, हम मेन रोड से आए होते तो अभी तक मैं भी पहुंच गए होते। वो जगह एक्सप्लोर करता था। हाँ वो बात है, अगर हम मेन रोड से आए होते तो जो हमने पहले जगह एक्सप्लोर की हम वो एक्सप्लोर नहीं कर पाते। चलो जो होता है अच्छे के लिए। तो गाइस यही रोड जाता है गुलमर्ग की तरफ भी, और यहाँ से हमें जाना है लेफ्ट द्रंग ओनली 3 किलोमीटर्स। यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर है द्रंग वाटरफॉल जहाँ हम जा रहे हैं, और यहाँ की हवा क्या ठंडी मस्त है। शुक्र है कि मैंने जैकेट पहनी थी, मुझे नहीं पता था यहाँ पे इतनी सर्दी होगी। भाई आराम से, बाकी क्या ही बोलूँ। तो बस 3 किलोमीटर्स लेफ्ट, 3 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद हम पहुँच जाएंगे अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, और आपको दिखाते हैं वहाँ का व्यू। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, क्या आप देखना पसंद करोगे? उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, बस करो। मुझे नहीं पता आपने कैसे करना है, करना ही करना है। तो रेडी हो आप व्यू देखने के लिए? ये है मेरी फाइनल डेस्टिनेशन। आई डोंट नो आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे पानी का शोर बहुत ज़्यादा है। ये है द्रंग वाटरफॉल। तो गाइस कैसी लगी आपको लोकेशन? ये मेरा फर्स्ट विजिट है यहाँ पे, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ। आई डोंट नो आपको मेरी आवाज़ भी आ रही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शोर है भाई, बट दिल खुश हो गया यार ये लोकेशन देख के। तो फाइनली गाइज हमने पहली जगह भी एक्सप्लोर कर दी जो आपको दिखाई, और दूसरा ये जो वाटरफॉल है ये भी एक्सप्लोर किया। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वाटरफॉल कैसा लगा, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपने भाई को फुल सपोर्ट करो। मिलते हैं हम अपने जल्दी नई व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।